बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बाज़ित खान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी नौजवान के साथ जो चेहरा छुपा के स्टेज पे अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं। उनसे जानेंगे कि वो इस डीजे में क्यों आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डीजे हंजी है जी, और वैसे मुझे दोस्त हंजी कह के पुकारते हैं। अच्छा, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप भी मुझे हंजी पुकारें। अच्छा अच्छा, ठीक है हंजी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह हमने आपको सोशल मीडिया पे देखा है कि आप, मतलब चेहरा आपने छुपाया है, लोग आपके सामने जो है, जब आप डीजे बन के आ जाते तो काफ़ी लोग इंटरटेन होते, इसके पीछे वजह क्या है कि आपने चेहरा छुपाया है? दो तीन वजूहत हैं। मेन ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ करूँ उससे मैं सबसे टॉप पे आऊँ। तो अगर मुझे साइट से कोई भी रिसोर्सेज यूज़ करनी पड़ती हैं, कोई तौर तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो मैं इसका इस्तेमाल, मैंने सोचा कि मास्क के थ्रू हो सकता है। और दूसरा ये है कि मेरा होता है कि मैं हर चीज़ डिफरेंटली करूँ। अगर हर बंदा एक काम कर रहा है एक तरीके से, तो मेरा होता है मैं एक डिफरेंट तरीके से काम करूँ। तो इस वजह से मैंने मास्क का इंतखाब किया है। मास्क को मैंने एक चूज़ किया, अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है कि लोगों को पता हो कि हाँ, अगर कोई कहे कि यार डीजे हंजिया कॉन्सर्ट है, तो लोग हैं हाँ ये वही है जिसने, जो मास्क पहन के डीजिंग करता है। तो इस वजह से मैंने ये मास्क का इंतखाब किया। अच्छा, जब से आप इस फील्ड में आए हैं तकरीबन कितना टाइम हुआ आपको? मुझे हो गए ऑलमोस्ट 5 to 6 months होने वाले हैं। अच्छा, 5 to 6 months में आपने इतनी, आपकी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग्स भी है, सब कुछ है, तो बाकी डीजेज वाले आपको देख के वो तो आपके साथ दुश्मनी निकालेंगे? वही बात है कि दुश्मनी ऐसे लोग निकालते हैं, क्योंकि वो एक कहावत है कि जब आप एक सक्सेस की राह पे निकल जाते हैं तो काफ़ी लोग आपको, आपको फिर पता चलता है कि कौन है आपके दोस्त और कौन है जो आपके पीछे पीछे काम करते रहते हैं। तो अच्छा, मुझे बताएं, आप सिर्फ इस डीजे में हैं या आप कोई और काम भी करते हैं, या एजुकेशन आपकी क्या है? बेसिकली मैंने ए लेवल्स किया हुआ है, और मैं अभी करेंटली मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि आगे मैंने जर्नलिज्म की डिग्री परसू करनी है। तो ये तो साथ वैसे ही बंदा शौकल मेले में करता रहता है, जिस तरह काफ़ी लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इस तरह ये मेरा होता है कि यार थोड़ा मैं डीजिंग साइड पे आऊँ, थोड़ा म्यूज़िक के साथ थोड़ा खेलूँ, और लोगों को मैं जाऊँ, लोगों को दिखाऊँ कि अगर आपने लाइफ एंजॉय करनी है तो आपका ये भी एक तरीका है लाइफ एंजॉय करने का। तो ये एक वैसी साइड हसल है थोड़े टाइम के लिए शायद, या शायद आगे हो ना हो, तो लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैं बिल्कुल ये कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी हमने देखा कि आप स्टेज पर जब जाते हैं तो लोग क्या, उनकी तासुरात क्या होती है आपके लिए? मज़े की बात यह कि क्योंकि मुझे मास्क से सब कुछ नज़र आ रहा होता है, लेकिन लोगों को मास्क के अंदर कुछ नज़र नहीं आता, तो मैं हर बंदे को देख सकता हूँ कि हर बंदे के तासुरात क्या हैं। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है तो लोगों की आंखों में एक बहुत एक्साइटमेंट सी होती है, लेकिन लोगों को मैंने एक सोच में डाला हो कि पता नहीं ये कौन है, ये क्या करता है, किस तरह करता है। तो तासुरात अच्छे होते हैं लोगों के, लोग का काफ़ी मज़े का रिस्पॉन्स मिलता है, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। तो बस यही मैटर करता है कि लोग खुश हों। अच्छा, ये बताइए, एक पठान फैमिली से आपका ताल्लुक, फिर आप इसी तरह डीजे में भी है, तो आपके घर वाले आपको कुछ नहीं कहते? घर वाले उस टाइम कहते हैं अगर घर वालों को पता होता, लेकिन देखेंगे जब पता चलेगा तो क्या कहेंगे। मेरी तो यही तवक्को है, यही दुआ है कि ना पता चले। अभी से आपने कोई प्लान किया, अगर घर वालों को पता चल जाए कि ये तो हाँ जी है, तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली देखिए, प्लान तो हर बंदे को लाइफ में करना चाहिए, हर दिन बंदे को प्लान के साथ ही चलानी चाहिए, गुजारनी चाहिए। तो प्लान तो मैंने ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें की हुई हैं कि किस तरीके से क्या करना है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि नॉर्मल लाइफ में और इस लाइफ में क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं? नॉर्मल लाइफ में मोस्टली यही है कि मैं काफ़ी ऑब्जर्वेंट हूँ, मैं काफ़ी ऑब्जर्व करता हूँ। इंटेलेक्चुअल लेवल में मेरा काफ़ी बिलीफ है कि लोग इंटेलेक्चुअल लेवल को देखकर बंदा बता सके यार ये बंदा कितना, कितने इसमें, मतलब ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, या उसकी सोच कितनी दूर तक है। तो मैं मोस्टली ऑब्जर्वेंट किस्म का बंदा हूँ। एक्सट्रोवर्ट में ऑब्वियसली हूँ, इस वजह से मैं मीडिया की फील्ड में भी गया हूँ, क्योंकि वहाँ पर इंट्रोवर्ट तो ऐसे नहीं चल सकते। और अगर डीजिंग की आप बात करें तो काफ़ी होता है कि अपने फैंस वगैरह होते हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा रवैया रखना होता है, हम्बल रहना होता है। अच्छा, ये बताइए, मास्क आपने कहाँ से ख़रीदा? मास्क बेसिकली मैंने चाइना से ऑर्डर किया हुआ, और क्योंकि वही बात है कि अगर आपने कोई नई चीज़ करनी है तो इतने डिफरेंट तरीके से करो कि शायद लोग उस लेवल तक वो सोचते रहें कि यार ये पता नहीं कहाँ से ये इस लेवल तक ये कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह पहुँचा है। अब ये मास्क तो भी काफ़ी डरावनी टाइप है, मास्क की तो बहुत किस्में होती, तो आपने इस मास्क का इंतखाब क्यों किया? बस ये कि बेहतर होता है कि लोग डरते रहें आपसे। अच्छा। तो लोग आपको नुकसान भी नहीं पहुँचा पाते। लेकिन ऑन लाइटर नोट, ये तो वैसे ही थोड़ा शोगल मजाक में, लेकिन ये कि मुझे थोड़ा बेहतर लगा, इसकी वाइब अच्छी है, जो मेरा म्यूज़िक है उसके साथ इसकी वाइब काफ़ी मैच करती है। अच्छा, ये बताइए, आपने जैसा कहा कि आप एक सोशल मीडिया वर्कर भी है, साथ में जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी है, इसके साथ साथ आप डीजे भी करते, तो फ्यूचर में आपने इन तीनों को एक साथ कैसे लेके जाएंगे? फ्यूचर में देखें, जो साइड हसल होता है जो मेरी डीजिंग है, ये तो मैं ऑब्वियसली, मुझे पता है मैंने छोड़ देनी है कुछ टाइम बाद, क्योंकि मेरा होता है कि अब कुछ टाइम के लिए शौक था,
शौक में इतना, क्योंकि मेरा देखें मैं आपको बताता हूँ, मेरा होता है कि मैंने हर जगह ब्रांड बनना है। मैं डीजेइंग में गया, मैंने ब्रांड बनना है, मुझे लोग जाने, इतने शोज कर लिए मैंने इतने कम टाइम में। अच्छा ये बताइए, आपकी तो काफ़ी फैंस भी है, ज़्यादातर हमने देखा है कि जहाँ भी जो स्टार्स है अदाकार है जाते, लोग उसको काफ़ी रिस्पेक्ट करते। आप अगर किसी जगह में जाएंगे और आपने मास्क नहीं पहना हो, लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ये डीजे हांस है, तो फिर वहाँ पे आप मास्क पहन के जाएंगे या विदाउट मास्क? नहीं, बेसिकली यही खूबसूरती है इस फील्ड की और मेरी आइडेंटिटी की कि मैं एक टाइम पे दो दो जिंदगियाँ जी रहा होता, मेरी दो पर्सनालिटीज़ मेरी हो रही होती हैं। रात को मैं एक अलग पर्सनालिटी मेरी होती है, मास्क उतार के मैं बिल्कुल टोटल डिफरेंट होता हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि ज़्यादा लाइन लाइट मुझे चाहिए नहीं होता कि लोग आते रहें कि यार इस ये हंजी है ये वो सारा। तो इस वजह से मैं मास्क उतारता हूँ तो मैं एक नॉर्मल लड़का होता हूँ, एक मीडिया का स्टूडेंट होता हूँ जिसको कोई नहीं जानता होता। जो आजकल के नौजवान हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? नौजवानों के लिए बहुत सिंपल सा मैसेज है कि जितना जल्दी आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो करो, आप पैसे कमाओ, आप इज्जत बनाओ अपनी। आप बिल्कुल, ये काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब आप करोगे तो फिर होता है, और जब मेहनत करोगे फिर चीज़ होती है। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली कि अगर मैं 5 महीनों में मैंने इतने शोज़ कर लिए हैं शुक्र है, तो कोई बंदा ना कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं थी, मेरा सिर्फ शौक था, शौक के पीछे मैंने थोड़ी सी मेहनत की, मैं यहाँ तक पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो नौजवानों को यही मैसेज इस्टेब्लिश हो, क्योंकि आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इतना इस्टेब्लिश हो जाओ कि आप डिसाइड करो कि यार आपने अपनी लाइफ में किस किस बंदे को रखना है, किस किस को नहीं रखना, बजाय इसके कि लोग आपको यूज़ करके हटा दें और यूज़ करने के टाइम वो आपको बुला लें। तो इस्टेब्लिश हो, पेरेंट्स का ख्याल करो, और डेफिनेटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि नमाज़ पढ़ो और झूठ ना बोलो। ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये थे डीजे हांसी, क्योंकि ये पठान भी, और पठानों का यही मशहूर है कि वो पहले काम करता नहीं और जब वो करते हैं तो दिल खोल के करते। तो नाज़रीन ये एक नौजवान था जो सबके लिए मिसाल है, और नौजवानों को चाहिए कि वो इसी तरह कुल के सामने आए और अपने टैलेंट को जो है वो उभर के लेके आए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आजकल के नौजवान और पाकिस्तान के नौजवान क्या क्या कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए मोहम्मद बासिर खान के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।